रस में था, वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशीवासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन लेने गए थे तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल काशी का नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत के भाई आपका, आप बैठिए और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप। भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमारे सभी साथियों पर है, और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। दुनिया ये जन समर्थन देख रही है, आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए
भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। और यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।